ये है कि बंदा गेट वगैरह खोल के यहाँ सिगरेट वगैरह पी सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है, आप ना सिगरेट पी सकते हैं और ना आप गेट खोल सकते हैं। ये रहा हमारा कैबिन और एक आंटी और एक बूढ़ा बंदा, वो आ गया मेरे कैबिन में। मुझे तो ये था कि मैं अकेला ही, ये देख गए हम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ जी मशहद, ये मेरे मतलब सर हैं, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं ट्रेन में बिठाने, क्योंकि लास्ट कॉल थी, बार बार बोल रहे थे मेरा नाम लेकिन मुझे पता नहीं था चल रहा। आपको पता है फारसी है तो इस वजह से पिछले दो घंटों से मैं वेट कर रहा था, और जिस लड़की ने मुझे टिकट दी है उसने मुझे ट्रेन नंबर भी लिख के दे दिया, लेकिन अंदर तो जाने नहीं देते जब तक आपकी ट्रेन ना आए। तो अभी ये मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हम जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी ट्रेन है यार। लो भैया ट्रेन में तो पहुँच गया हूँ, अब आप लोगों को मैं ट्रेन का ज़रा सॉरी अपने बॉक्स का टूर करवा दूँ कि यहाँ पर भी चार बंदे इजीली जा सकते हैं। जैसे कि ये जो चीज़ है ये ऊपर हो जाएगी, उसके बाद ये भी ऊपर हो जाएगी, एक बंदा यहाँ पर लेट जाएगा ठीक होगा, एक बंदा यहाँ पर लेट जाएगा और तीसरा बंदा यहाँ पर ठीक है। इसको हम खोलेंगे, उसके बाद ये बेड नीचे आ जाएगा और सेम इस तरह भी यही है ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यार ये जो सीटें हैं देखें, दो इस तरफ हैं बैठने वाली और दो इस तरफ हैं, जिस तरह से मतलब डिज़ाइन किए हैं यहाँ पर चार बंदे इजीली जा सकते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता चार बंदे ही जाते हैं या फिर एक बॉक्स में दो बंदे ही जाते हैं। 4 लाख की टिकट है, मतलब 3,76,000 रुपये बने हैं, और मेरे पास नेट नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को कन्फर्म नहीं बता सकता कि यहाँ से मशहद का कितना सफ़र है। हाँ, और एक और चीज़ मैं जो मैंने मतलब किया ना, मतलब बहुत ही उल्टा चला मैं, वो जो मेरे साथ दो बंदे थे जिनको मैं चाचा चाचा कहता था, उनको भी नहीं था पता किधर जाना है। सो उन्होंने बोला कि यार तू ना ऐसा कर, तू भी हमारे साथ चल ठीक है, और फिर हमने जहाँ उतरना है हम वहाँ पर उतर जाएँगे, उसके बाद तुमने जहाँ जाना है तुम चले जाना। मैंने बोला ठीक है यार कोई मसला नहीं, अब इनको नहीं पता ठीक। उन्होंने आना था अस्फहान, इस शहर में उन्होंने आना था। जब हम चाबहार अड्डे पर पहुँचे हैं, चाबहार अड्डे पर पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है ना, हमें पहले पता नहीं था कि हम पहले टिकट ले लें या फिर सिम वगैरह ले लें। हम सबसे पहले बाज़ार चले गए, सिम मिली नहीं, खाना खाया, वापस आ गए जलील होकर। फिर रात को बंदे ने बोला यहाँ से डायरेक्ट बस जाएगी, यहाँ तो कुम की ले लो, यहाँ से अगला स्टॉप कुम है ठीक है, या फिर आप जो है ना ज़हदान की टिकट ले लो। और ज़हदान से जो है ना थोड़ी सी जलालत हुई हमें, और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखनी है तो वो जाकर बेशक देख लें। एंड उसके बाद जो गलती मैंने की है वो आप लोगों ने करना, अगर आप लोगों ने ज़हदान से तहरान जाना है, मशहद जाना है या कुम जाना है, कहीं भी आप लोगों ने जाना है, VIP गाड़ी लेना जिसकी टिकट 1,80,000 रुपये है ठीक है, तो ताकि आप लोगों को आसानी रहे। जो हमने चाबहार से टिकट ली थी गाड़ी की, वो ली थी 1,20,000 रुपये की, लेकिन वो VIP गाड़ी थी, मतलब बंदा आराम से इजी होके जाता है। उसके बाद जो है ना ज़हदान से हम सुबह 2 बजे हमारी गाड़ी चली है, और अगले दिन सुबह 8 बजे हम अस्फहान पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो चाच लोग अपने रास्ते चले गए, मैं करेंसी वगैरह चेंज करवाने के चक्कर में लगा रहा, उसके बाद छुट्टी थी आप लोगों को पता है, एंड टिकट करवाई है इस ट्रेन की। अभी मैंने मेट्रो स्टेशन पर आकर यही बोला था कि भाई मुझे कुम जाना है, यहाँ से 1 या 2 घंटे का सफ़र है, तो मैंने सोचा मैं मेट्रो से जाता हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो पिछले वैसे भी मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ इस वजह से। उन्होंने बोला भाई आपको कुम के लिए ट्रेन इस वक्त अवेलेबल नहीं, आज कल आपको मिलेगी, हाँ मशहद के लिए आपको भी मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है, अभी मैंने तो सफ़र ही करना है मशहद के लिए। उन्होंने बोला 3,70,000 या 76,000 रुपया, मैंने दिए उन्होंने। 1 बजे मैं पहुंचा, 3 घंटे मैंने वेट किया, यार यकीन मानो कि 1 मिनट ना ऊपर ना नीचे, पूरे 4 बजे ट्रेन चल पड़ी, और लास्ट कॉल मुझे ही दे रहे थे कि असद अली किधर है, असद अली किधर। खैर मुझे वो बंदा छोड़ने आया, फिर बिठाया उसके बाद चला गया। अभी मैं बात करूँ तो मेरे साथ एक आंटी हैं और एक एक उनके हस्बैंड हैं, ये दोनों हमारे साथ जा रहे हैं।
जैसा कि मैंने बोला था भाई यहाँ पर चार बंदे जाते हैं, तो कन्फर्म नहीं था ना, अभी कन्फर्म हो गया। वैसे मैं खाने पीने वाली चीज़ें मैंने साथ ली हैं, लेकिन पता नहीं है कितना सफ़र है। ट्रेन मैंने आप लोगों को दिखा दी है एंड अभी बाइक से आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी ये देख गए हैं मुझे, एक ये केक है, उसके साथ ये टिशू, उसके साथ एक ये जूस, एक कप और उसमें एक चाय, बाकी वो ड्रिंक वगैरह मेरी अपनी है, और एक मास्क और एक ग्रीन टी। और ये हमारी ट्रेन जा रही है। और पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की ट्रेन है, शोर भी बहुत ज़्यादा लोगों का आता है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो शोर होता है, ट्रेन का शोर तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा शोर लोगों का होता है। यहाँ पर ना ही तो लोगों का शोर आ रहा है और ना ही ट्रेन का, पता ही नहीं चल रहा कि यह ट्रेन चलती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोचा था वही हो रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है ट्रेन के सफ़र में। अभी बंदा आया था, उसने सबसे पहले पूछा कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला इंग्लिश में बात की, बोला और आपको कुछ चाहिए इसके अलावा, खाने पीने में क्या आपको चाहिए? मैंने बोला शाम को जो कबाब वगैरह होंगे, जो स्पेशल डिश। उन्होंने बोला ठीक है, आपको स्पेशल डिश मिल जाएगी, शाम को आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो बंदा लिख कर ले गया। अब पता नहीं पैसे लेते हैं या जो भी है, आपको दिखाता हूँ। एंड वेलनकुंड यार 376,000 पाकिस्तानी, 140,000 140,000 मतलब आप समझ लें कि 2,000 की टिकट है। बाकी आप खुद भी कन्वर्ट कर लें करेंसी। जब से मैं ईरान में एंटर हुआ मुझे खुद नहीं पता कि रेट क्या चल रहा है, ठीक है, डेट्स इट। बाकी देखते हैं, माशाल्लाह सफ़र तो सही गुजर रहा है। हमारा कैबिन और एक आंटी और एक बूढ़ा बंदा वो आ गया मेरे केबिन में। मुझे तो ये था कि मैं अकेला ही बाहर आ रहा, सफ़र अच्छा गुजर रहा है, अलहमदिल्ला मज़ा आ रहा है। और ट्रेन की आवाज़ नहीं इतनी आ रही, और मैं क्या बताऊँ आपको, बाकी आप देख ही सकते हैं। खोल के यहाँ सिगरेट वगैरह पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है, आप ना सिगरेट पी सकते हैं और ना आप गेट खोल सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ खानी पीनी है तो हाँ, और वो आप जो है ना मतलब उनको बोलो कि हमें ये चीज़ खानी है, वो आपको दे देंगे। بول رہے ہیں کہ بھئی ایل سی ڈی کیوں نہیں چل رہی، کال کی ہے ابھی، وہ بھی اپنی صبح ہو گئی ابھی، انکل لوگوں نے صبح صبح ٹی وی لگا دی ہے اور نہ میں نے ابھی منی تھا اٹھنا، اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے 10 بج گئے اور رات کو 9 بجے انہوں نے کھانا دیا، بلکہ پیسے دیے تھے میں نے، اور بریانی بھیجی، بریانی آپ کو پتہ ہے ان کی، ابلے ہوئے چاول اور کباب۔ ابھی گلا بھی خراب ہے، زکام بھی لگا ہوا ہے، نیند الحمد للہ بڑی کمال کی ہے یار، انکل لوگوں نے صبح صبح ٹی وی لگائے ہوئے جگہ پہ۔ میں یہاں پر اوپر آ کے سو گیا، اور یہ کمبل دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ کمبل تھا اور ساتھ یہ ایک سرہانہ،
बाहर आज मैं मुँह हाथ धोऊंगा और 10 बज गए। मुझे मैंने सोचा नहीं था यार कि इतना लंबा सफ़र हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं अभी क्या सीन है। तो ये भी माया था यहाँ पर वाशरूम के लिए, और ये शायद ट्रेन के कंडक्टर हैं या यहाँ पर जो हेल्पर वगैरह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और अभी यहाँ पर ये आकर मुझे मिले, इन्होंने मेरा चैनल भी देखा और मेरा जो इंस्टाग्राम वो मुझे फॉलो किया। हसन अली, हसन अली, हसन, थैंक यू। अभी मशहद तो नहीं आया, मुँह हाथ धो के मैं वापस आया और सुबह का नाश्ता इन्होंने दिया है। ये केक कल वाला, एक ये जूस, एक पानी की बोतल और मेरा वो कल का पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं अपना सामान जो पड़ा हुआ है उसको उठा लूँ, सीधा कर दूँ। और ये देखिए इसमें एक बैग दिया हुआ है जिसमें आप ये डालेंगे कंबल, और इसमें एक हम पहुंच गए हैं और सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया है। अभी 20 घंटे के बाद मस्जिद पहुँच गए हैं, और मैंने सोचा लोग मेरा बाहर निकल जाए उसके बाद वीडियो बनाते हैं। ये कल मैंने खाया नहीं थे, मैंने रख दिए, अभी सुबह उठ के फिर दोबारा से मैं खा रहा हूँ। यार ऐसे लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूँ। खैर अभी यहाँ से बाहर निकलूँगा, बाहर निकलने के बाद मुझे टैक्सी करवानी है, या देखता हूँ अगर कोई सिम वगैरह मिल जाए, कोई दुकान जहाँ से मैं अपनी सिम ले लूँ। और उसके बाद साला 4 दिन हो गए इंटरनेट नहीं मैंने चलाया। भाई कल भी पंगा पड़ गया था, आज फिर नहीं मैं पंगा डालना चाहता। अभी वो बंदा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर से मुझे लेकर आया आउट टैक्स। मैंने पूछा कितने पैसे, उसने बोला भाई 30 रियाल। मैंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन वो फिर बाहर ले कर गया, बाहर जाकर उसने वो दूसरी गाड़ी है। तो मैंने बोला यार ये तो टैक्सी नहीं है। कह रहे नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, इधर ही है, इधर ही। मैंने बोला नहीं जाना, जाना तो भाई एयरपोर्ट वाली पर ज़्यादा पैसे देकर चला जाऊँगा, लेकिन इनके साथ नहीं जाना। कल का जो हो गया ना अब मैं वो नहीं बर्दाश्त करना चला। अब यहाँ से टैक्सी करवाता हूँ और फिर चलते हैं। अगर आप लोग भी आओ तो हमेशा एयरपोर्ट से ही वो ये वाली टैक्सी लो, या लोकल टैक्सी पे कभी ना जाना। अभी सबसे पहले वहाँ से पर्ची ली है, पर्ची लेने के बाद मतलब ये है ना सिक्योरिटी है, आप सिक्योर। उसको पर्ची दी है, पर्ची देने के बाद उसने भाई बोला जाओ किधर जाना है। मैंने बोला आराम, ये सीन है ना पैसे भी कम, उसने मांगे थे 30 और ये बंदा मांग रहा है 25। जाना है तो ऐसे जाओ, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे लो, लेकिन हालांकि पैसे ज़्यादा में नहीं है, पैसे कम है। खैर आपका नाम सर, योर नाम, यू नो इंग्लिश, टर्किश, फारसी, उर्दू, नाम अली, अली ना ना अली अली अली, ओ माशाल्लाह पहन अली बराबर अली। ओके टुडे इज तातिल या नो, एवरीडे तातिल, तातिल तातिल फादर बॉस, आई वांट सिम कार्ड, सिम कार्ड यू नो, सिम कार्ड तातिल है, तातिल छुट्टी है भाई, जैसा कि मैंने बोला था हफ्ते वाले दिन तक आखिर छुट्टी है ना, आखिर छुट्टी वाले, हां
आज के दिन आखिरली छुट्टी है, खैर आज स्टे करते हैं होटल में, उसके बाद जो है ना कल सिम लेंगे। बाकी जो वीडियोज़ वगैरह पीछे रह गई हैं पड़ी, वो मैं एडिट वगैरह कर लूँगा एंड फिर अगला व्लॉग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सही है, अभी हरम जा रहा हूँ, मैंने बोला हरम बंदा मुझे हरम लेकर जा रहा है, और उसके बाद जो है देखते हैं क्या सीन होने वाला है। अच्छा है फिलहाल, ये भी खूबसूरत है मशहद, और 20 घंटे का सफ़र किया मैंने। कल 4 बजे ट्रेन चली है और अगले दिन पूरे 12 बजे, फिर भी 15 मिनट कम थे, मतलब 11:45 पर ट्रेन यहाँ पर पहुँची है पूरे 20 घंटे में। ठीक है, अभी वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो अभी मैं होटल में आया, उन्होंने पहला कि हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं आपका रूम, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप दे देते हैं। इट्स फॉर शेयरिंग या जस्ट 1 पर्सन? इट्स शेयरिंग या जस्ट 1 पर्सन? ओके, हरम इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, वी आर नाउ इन द होटल। जो पहले वाला था काफ़ी बड़ा था और 3.5 लाख रुपया वो एक दिन का चार्ज कर रहे थे, और मैंने उनको बोला मुझे एक दिन का ही चाहिए, 3.5 लाख में पे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। उन्होंने बोला हम आप लोग आपको एक दिन का नहीं दे सकते, आप 2 दिन का ले लो या फिर 3 दिन का ले लो। मैंने बोला भाई नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे तो जाना चाहिए सिर्फ एक दिन का ही। खैर मुझे तो चाहिए सिर्फ एक दिन का ही, उन्होंने बोला फिर सॉरी भाई। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आगे से पता कर रहा था, कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है वरना वापस आ जाओ। उन्होंने बोला भी ठीक। अभी जिस दूसरे होटल में आया हूँ, ये देखें 2 बंदे वहाँ पर सो सकते हैं, 1 बंदा वहाँ पर। अगर ज़्यादा बंदे हों तो फिर ये है कि होटल का जो एक्सपेंस है वो आपको पता कम हो जाता है, बंदा शेयर कर लेता है। अभी 2 लाख रुपये में मुझे पर नाइट ये होटल मिला है, एक हेल्थी लगी है, पंखा नहीं था, मैंने उनको बोला भी पंखा दो मुझे गर्मी लगी, तो बंदे ने पंखा मुझे लगा के दिया। अभी मैं अकेला ही हूँ और ये एक किचन है जहाँ पर मैं कुछ बनाऊँ, बनाने वाला तो नहीं हूँ, ना ही कुछ आता है ज़ाहिर है, बाहर से ट्राई करेंगे हम। ये एक फ्रीज़र, ये बेसिकली एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट आप समझते हो ना, जहाँ पर लोग ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ये सीन था, बाकी ये रहा इसका वॉशरूम। तो बंदा कह रहा था अपनी वीडियो में बोलना कि जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आए, मैंने बोला भाई ठीक है, जो लोग आए आ जाएं भाई, ठीक है कर लें पता अगर कर सकते हैं। खैर अभी मैं थोड़ा सा नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, पिछले 5 दिन से सोया नहीं मैं बेड पे, ट्रेन में तो हो गया था लेकिन फिर भी जो अरे यार टोपी गिर गई। खैर इस व्लॉग में यहाँ भी करता हूँ एंड आई होप यू लाइक इट, एंड अगर अच्छा लगे लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने शूज़ पहने, पहले मैं नहाऊंगा उसके बाद सोऊंगा उसके बाद रात को बाहर निकलूंगा, अगला व्लॉग यहाँ से शुरू करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करने का नहीं है तो, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है। ठीक है फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।